हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष सराफ देखा अपना यूट्यूब चैनल और तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपका है पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसमें कह रहा है कि एक दलीय और बहुदलीय व्यवस्थाओं की तुलना कीजिए। पहले आपको बहुदलीय लिख लेना है। देखिए आपका आंसर बिल्कुल सटीक लाइव है आपके लिए बिल्कुल, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बहुदलीय व्यवस्था आपको दिखाते हैं। देखिए लिख लेना है, देश का विशाल आकार भारतीय समाज की विभिन्नता सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार की ग्राह्यता विश्लेषण राजनीतिक प्रक्रिया तथा कई अन्य कारणों से कई प्रकार से राजनीतिक दलों का उदय हुआ है, ठीक है। जो वास्तव में विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल है, जो वर्तमान में देश में 7 राष्ट्रीय दल 40 राज्य स्तरीय दल, ये आपको यहाँ से कर लेना है। आपका बहुदलीय का और भी इसके नीचे आंसर है, और आपको फिर ये लिखने के बाद उसके एक दलीय हेडिंग डाल लेना है। एक दलीय आपको लिख लेना है, ये देखिए एक दलीय का आपका है, ठीक है। इन दोनों में सेम यही है, फिर आपका हेडिंग आना स्पष्ट विचारधारा का अभाव। ये आपका एक दलीय और बहुदलीय दोनों में आता है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूँ कि आपको कर लेना है बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये देखिए फिर तीसरा हेडिंग डालना है, स्पष्ट विचारधारा का अभाव। फिर आपका है व्यक्तित्व का महामहिमा, फिर आपका व्यक्तित्व का महामहिमा नन, यह एक दलीय और बहुदलीय में ही आता है, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, ये देखिए आपको बिल्कुल आराम से लिख लेना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। जिसे देखिए लिख रहे हैं, बहुधा दलों का संगठन एक श्रेष्ठ व्यक्ति के चारों ओर होता है, जो दल तथा उनकी विचारधारा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दल अपने घोषणा पत्र को बजाय अपने नेताओं से पहचाने जाते हैं। यह भी एक तथ्य है कि कांग्रेस के प्रसिद्ध अपने नेताओं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी की वजह से है, ठीक है। अब देखिए फिर आपको हेडिंग डालना है, पारंपरिक कारकों पर आधारित, ठीक है। ये आपको लिख लेना है हेडिंग डाल के, बिल्कुल सटीक आंसर लाएगा। ये आपको लिख लेना है पॉलिटिकल साइंस का बीए प्रोग्राम का, जिनका जिनका पॉलिटिकल साइंस का पेपर उनके लिए ये, तो मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री और एजुकेशन करवा दी। ये आपको पॉलिटिकल का ये कर लेना है, ठीक है। आप देखिए क्षेत्रीय दलों का उद्भव कर लेना है, ये देखिए बिल्कुल लिख लेना आपको गाइस। फिर आपको ना दल बनाना तथा दल परिवर्तन, ये आपको करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पा चुका आप देख सकते हैं, देखिए दल बनाना ये आपको कर लेना है। अब देखिए प्रभावशाली विपक्ष का अभाव, करना तो करना है, मत तो सहन दीजिएगा, बाकी मैं आपको पूरा करवा दूंगा। ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे। अब देखिए राष्ट्र और राजस्तरीय दलों का मान्यता, ये आपको करना पॉइंट में लिखा हुआ है। अब देखिए फिर नीचे आ जाना है, फिर राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए दर्शाए, ये आपको कर लेना है। ये राष्ट्रीय दलों का है, अब है राजस्तरीय दलों का, ठीक है। अब राजस्तरीय दले का लिख लेना है आपको, ये देखिए वीडियो अगर स्पीड लगे तो वीडियो पास होकर आप देख सकते हैं सारा पॉइंट में। तो आपका आंसर यही तक है, विभाजन हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ, जब तक आप बनेगा। जय हिंद, जय भारत।